न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आज आपके साथ लेकर हाजिर हैं वार्ड 11 का हाल, जहां पहले जानते हैं वार्ड क्रमांक 11 की वस्तु स्थिति। यहां की जनसंख्या 10,000 है, मतदाता 4,200 है, गरीब परिवार 25 है। वार्ड 11 के निवर्तमान पार्षद सज्जन सिंह पटेल है। बात करें वार्ड नंबर 11 के क्षेत्रों की, तो यहाँ तिलक नगर, बजरंग नगर, मानस नगर, इंदिरा नगर, बड़ा क्षेत्र शामिल है। यहाँ का नेतृत्व भाजपा और कांग्रेस के हाथ में रहा है, फिर भी मूलभूत सुविधा से पिछड़ा हुआ है। बजबजाती नालियां, मोहल्ले में छाया अंधेरा और खारे पानी के लिए यहाँ के लोग विवश हैं। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 11 में स्वच्छता अभियान का असर नहीं दिखता। जगह जगह गंदगी ने अपना कब्जा जमा रखा है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में रहवासियों को मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है। गर्मियों में लोग पीने के लिए मीठे पानी को तरस जाते हैं। लगातार 10 साल से वार्ड की कमान एक ही हाथ में है, लेकिन यहाँ की गंदी नालियां एवं पेयजल पाइप से आ रहा गंदा पानी अधूरे विकास की दास्तां बयां कर रहा है। वार्ड क्रमांक 11 में करीब 10,000 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ कुल 4,200 मतदाता हैं। इस वार्ड में तिलक नगर, बजरंग नगर, मानस नगर, इंदिरा नगर और बड़ा मोहल्ले आते हैं। अन्य वार्डों की अपेक्षा ये वार्ड अमीर है। यहाँ सिर्फ 25 परिवार ही गरीबी रेखा में आते हैं, जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है। इस वार्ड की कमान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के पुत्र सज्जन सिंह पटेल के हाथ में 2 पंचवर्षीय रही है। बताया गया कि वार्ड में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन की स्वीकृति हासिल कर ली गई, लेकिन जब पाइपलाइन बिछाने का समय आया तो दूसरे स्थान पर काम कराया गया और इस वजह से वार्ड की पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसके कारण इस वार्ड का 25% ऐसा एरिया है जहां के रहवासियों को पेयजल की व्यवस्था करना आज भी बड़ी समस्या बना हुआ है। यदि स्वीकृति के अनुसार नगर निगम वार्ड में पाइपलाइन डालने का काम करवा देता तो 100% वार्ड में पेयजल समस्या खत्म हो जाती। आलम यह है कि अब यहां के लोग सुबह शाम पानी की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। वार्ड क्रमांक 11 में प्रज्ञा भवन के सामने पार्क विकसित करने की योजना जरूर बनाई गई, लेकिन पिछले 5 सालों से यहाँ रहने वाले लोगों को बदबूदार गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इंदिरा नगर के रिहायशी इलाकों में बनी नालियों की सफाई ना होने के कारण बजबजा रहा पानी गंभीर बीमारियों का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर बार पार्षद उम्मीद जरूर दिलाते हैं, लेकिन वार्ड का कायाकल्प आज तक संभव नहीं हुआ। वार्ड में सही तरीके से नाला व्यवस्थित ना हो पाने के कारण जलभराव की समस्या बनी हुई है। रहवासियों की सबसे बड़ी मांग शिवनगर नाला के गहरीकरण के साथ निर्माण करने की है। इससे वार्डवासियों के साथ राहगीरों को भी राहत मिल सकेगी। मार्तंड क्रमांक 2 स्कूल से सिरमौर चौराहे तक ऊंची सड़कों का निर्माण करा दिया गया, लेकिन नाले का निर्माण न हो पाने पर आगामी बरसात में सड़क से लगी दुकानों एवं घरों में जलभराव की स्थिति निर्मित होगी। वार्ड में सड़क एवं नाले निर्माण पर 87,36,000 का काम हो चुका है, जबकि 42,00,000 का टेंडर अभी निगम में अटका हुआ है। वार्ड में मौजूद शिवाजी पार्क का सौंदर्यीकरण कराया गया, लेकिन कुछ अन्य पार्क रहवासियों की समस्या बने हुए हैं। हालांकि वार्ड में सड़क निर्माण होने से लोगों को काफी राहत मिली है। 2022 के नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 11 से बीजेपी ने जहां पूर्व पार्षद शशि सिंह परमार पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस से वार्ड नंबर 12 के पार्षद रहे विनोद शर्मा की पत्नी रश्मि शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि वार्ड नंबर 11 की रहने वाली पत्रकार अनीता पांडे ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दोनों को कड़ी चुनौती देने की बात कही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रेमवती मिश्रा, ये 11 वार्ड है, तिलक नगर। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है, जिस तरह गंदगी पड़ी है क्या? ये है कि नाली वाली साफ होती रहती है, कचड़ा उचड़ा थोड़ा निकाल के कर्मचारी जो रहते हैं उसके निकालने वाले तो फेंक देते हैं द्वारे में, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। झाड़ू लगाने वाले आते हैं, सब ठीक चल रहा है। बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, तो कैसे आप क्या करते हैं, आप लोग किस तरह होगा? आप किसी तरह मैनेज करता है। अब नाली तो बन गई है, नहीं इस समय नहीं भरता है पानी नहीं भरता है अब
नाली वाली जब से बन गई है तो पानी वानी नहीं भरता है। बॉर्डर क्या कौन सा मोहल्ला है? वार्ड क्रमांक 11 है, तिलक नगर है। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है? समस्याएं कि नाली बिल्कुल नहीं साफ होती है, से वो आउते नहीं है साफ करे यह मोहल्ला में ही, और कचरा किधर ऐसा रहता है, गाड़ी वाले 3 रोज में 2 रोज आवा थी, बराबर साफ सफाई नहीं होती, नहीं होती। नाली वाली बनी है क्या वार्ड में साफ सफाई? हाँ, नाली बनी पे सफाई नहीं होती है, पूरी बजी रहती है, पूरी बजी रहती है, सब ऐसे कचरा पड़ा रहा थे। बरसात के मौसम में यहाँ रोड भी खराब है, सब खराब। हाँ, रोड एक को नहीं गया है, सब ऐसे पड़ी है, खंडा पूरा पानी भर जाता होगा बच्चे निकलने के लिए, नाली वाली सब पाइप फूट है, जो दिक्कत आवती स्कूल जाने में, भर रहा था नाली वाली पानी। पार्षद है, पार्षद कभी बाढ़ में आए हैं क्या आप लोगों से मिलने? हमारे जान में तो नहीं आए हैं। क्या आप लोगों की समस्याएं क्या है? समस्या पूछे कि चुनाव हो ही तब यही समस्या पूछे, उसके बाद जीतने के बाद? उसके बाद नहीं आता है। ये बताइए जैसे मीठे पानी की व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, मीठे पानी की व्यवस्था पर आवत नहीं है, कभी नहीं आता, नहीं ये कई बार कूलर नहीं आवाता, एक दो जो हद बीचे तक तोड़ के आई आया था वो कोने से, कई कई बिल्कुल नहीं आवाता है, हाँ सब के नल कनेक्शन पे पानी नहीं आवे, पानी नहीं आता, कनेक्शन लगा, कनेक्शन है पानी नहीं आवे। अब फिर चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है तो फिर लाइन लगे रही है कि हम कद बोर्ड दे, हम कद हम व्यवस्था करो, अब मैं नाली साफ करी है। हाँ, अब जब नहीं आते तो नहीं पहचानते, जब आए जब वोट होने वोट लेना होता है तब आते हैं, तब तो पहचान होती है, जीतने के बाद कभी नहीं आते, फिर नहीं आते, फिर चुनाव होने वाला है तो आप लोग क्या किस प्रकार से? अब फिर अब देखा जाएगा, जैसा करेंगे वैसा होगा। 15 साल से लगातार यही पार्षद हैं? हाँ, 15 साल से है, ये 3 बार हो चुकी है ना, 5 साल में बदली जाए। क्या नाम है आपका? 11 वार्ड है। कौन सा मोहल्ला? ये तिलक नगर है। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? यहाँ की समस्या है कि ये नाली वगैरह बन गई है, मगर यहाँ सफाई करने कोई नहीं आता, उधर से कर करके और सीधे निकल जाता है, क्या करें, परेशान है, गंदगी होती है यहाँ, और ये रोड वगैरह है कुछ नहीं, पानी भर जाता है चौमास में, यहाँ से मार गड्ढे में कूदते करते बच्चे को लेकर स्कूल कॉलेज जाते हैं, इतनी बड़ी समस्या, परेशानी आती है आदमी को, पानी भी गंदा आ रहा है, पानी भी नहीं पीने के लिए आ रहा, हम लोग गर्मी में भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, ऐसे ही नहाने बिना पीने बिना खाने बिना कोई देखने वाला नहीं है, सरकार इतनी वो बनी है कि क्या बताएं, अब मीठा पानी नहीं मिल पाता, मीठा पानी नहीं मिल पाता हम लोगों को, अरे मीठा ना खारा कोई तो नहीं मिलता, वो भी सूखा जाते हैं बोर वगैरह पर, मगर मीठा पानी तो आना चाहिए भाई, बोर सूखा जाए तो मीठा पानी तो आना चाहिए, ये सरकार की देनगी है ना, तो सरकार क्यों नहीं देती है? देखा जाए। और मेरा नाम अजय पांडे है, इंदिरा नगर, इंदिरा नगर की निवासी हूँ। ये यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है, कैसे? मूलभूत समस्याएं भरी पड़ी हुई हैं, कभी सफाई नहीं होती, नाली नहीं है, रोड बिल्कुल देखिए ना किस तरह है, और सीवर लाइन भी इस रोड में नहीं पड़ी है अभी तक, ये सब सफाई तो कभी नहीं होती, और जगह जगह अतिक्रमण भी किए हुए बढ़ा के बना लिए, गंदगी रहती है नाली, गंदगी वगैरह देख लीजिए ना किस तरह है, पानी तो ठीक है, सप्लाई पानी की बात है। कौन सा वार्ड है और कौन सा मोहल्ला है? नंबर 11 तिलक नगर। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है? मूलभूत समस्याएं न सड़क है, न नाली की सफाई होती है, न पानी, झाड़ू का भी नहीं लगता है, और न के वो आपके सफाई गाड़ी तो आती है संडे को छोड़कर, बाकी दिनों आती है। साफ सफाई करती है क्या है? साफ सफाई नहीं, कोई नहीं आता साफ सफाई करने के लिए, ना झाड़ू पड़ता, ना नाली कभी साफ होती है, और वार्ड पार्षद का कोई मतलब है नहीं, केवल वोट का मतलब है, वोट मांगने आते हैं। हाँ, बस वही, जब अनुसूचित हो गया तो इस क्षेत्र में नहीं दूसरे वार्ड में चले जाते हैं, यहाँ के सज्जन पटेल वार्ड में उससे वो पार्षद हैं। ये यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है, कैसे आप लोग रहते हैं, क्या है? हो गया है तो साफ सफाई तो होता रहा थी, आगे इनके बहुत बजबजान रहा था सब, गंदगी बहुत रहा थी, गाड़ी आवा थी सफाई की तरह, हफ्ता खाड़ी में आई पहले आवे सफाई हो, रोज नहीं आती गाड़ी, रोज नहीं आवे। और क्या समस्या है यहाँ पे, रोड की नाली की क्या समस्याएं हैं? नाली वाली की तो नाली ठीक ही, साफ सफाई हो रहा थी, लेकिन वही कचरा वही छोड़ देते हैं, कचरा जो है तो एक दिन दो दिन बाद उठाया जाता है, या उठा लिया जाता है पर दूसरे दिन उठाया जाता है, उसे भी छोड़ देते हैं निकालने के बाद, कभी नीला भी रहता है इस वजह से हो सकता है। और क्या समस्या है यहाँ पर, बाकी तो सब ठीक है। वार्ड पार्षद क्या है, उनके क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पर? वार्ड हो गया, आते रहते हैं, वार्ड की समस्या को सुनते हैं, जानते हैं, हाँ देखते हैं, और जो समस्याएं रहती हैं उसको निराकरण करते हैं। किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं? आज आपके द्वारा नामांकन फॉर्म भी भरा गया है,
क्या प्राथमिकता रही, किस प्रकार से कैसे वार्ड में जाएंगी आप वार्ड वासियों के पास? वैसे मेरा वार्ड 11 है, 11 वार्ड के अगर मेरे निवासी जीतते हैं वो सारे अगर मुझे विजयी बनाते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि वार्ड में मीठे नल का कनेक्शन हर घर में होना चाहिए, और पार्क की व्यवस्था नहीं है तो पार्क की व्यवस्था मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, और अपने वार्ड के लोगों के लिए जैसे छोटे बड़े कार्यक्रम जगह का अभाव होता है तो मैं यही चाहूँगी कि जो वहाँ पे अपने पास कोई ऐसी जगह होगी उसको कम्युनिटी हॉल एक बना के लोगों को एक मुहैया कराऊँगी, उसमें लोग अपने छोटे बड़े कार्यक्रम या कोई भी त्यौहार या कोई भी इंगेजमेंट या बर्थडे पार्टी उस पर अपना मना सकें। और साथ ही मैं ये चाहूँगी कि अपने यहाँ जितने वार्ड में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है जिस तरफ, और लोगों के पास बाकी सारी सुविधाएं तो मिलती हैं, संपन्न वार्ड है अपना, लेकिन मैं चाहूँगी कि जिनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं वो सारी सुविधाएं दिलाने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए वार्ड परिक्रमा, नमस्कार।